स्वामी विवेकानंद ने एक बार कहा था कि अपने जीवन का एक लक्ष्य निर्धारित करो, अपने पूरे शरीर को उसे एक लक्ष्य से भर दो और हर दूसरे विचार को अपनी जिंदगी से निकाल दो। यही सफल होने का मूल मंत्र है। हम में से कई लोग डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब को इंस्पिरेशन मानते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि उनकी इंस्पिरेशन कौन है? स्वामी विवेकानंद। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि निकोला टेस्ला, सुभाष चंद्र बोस, लाल बहादुर शास्त्री और भी कई सारे से लीजेंड्स हैं जिनकी इंस्पिरेशन स्वामी विवेकानंद है। आज हम स्वामी जी के जीवन की तीन कहानियां डिस्कस करेंगे और जीवन की बहुत बड़ी सीख है इन तीनों कहानियों में। पहली कहानी, एक बार स्वामी जी को नदी पार करना था और वो नदी के पास में खड़े थे। तभी एक साधु ने आकर उनसे पूछा, क्या आप ही स्वामी विवेकानंद हो? स्वामी जी ने जवाब दिया कि जी हाँ, मैं ही स्वामी विवेकानंद हूँ। तभी साधु ने पूछा कि स्वामी जी आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? स्वामी जी ने कहा कि मुझे नदी पार करना है और मैं नाव का इंतजार कर रहा हूँ। तभी साधु ने कहा कि तुम इतने बड़े इंसान हो, कई सारे लोग तुम्हें अपनी प्रेरणा का स्रोत मानते हैं और तुम एक नदी पार नहीं कर सकते? देखो मैं तुम्हें नदी पार करके बताता हूँ। तभी उस साधु ने पानी पर चल करके उस नदी को पार किया और फिर से पानी पर चल करके स्वामी जी के पास लौट कर आए और बोले कि देखो मेरे पास इतनी शक्ति है, मेरे पास इतना टैलेंट है, मेरे पास इतना ज्ञान है, उसके बावजूद भी मुझे कोई नहीं जानता। और तुम्हारे पास कोई ज्ञान नहीं, कोई शक्तियाँ नहीं, उसके बावजूद भी तुम्हें सब जानते हैं। तभी स्वामी जी मुस्कुराए और साधु से पूछा कि तुम्हें यह विद्या सीखने में कितना टाइम लगा? साधु ने कहा कि 15 साल। इतने में स्वामी जी की नाव आ गई और स्वामी जी ने साधु को नाव में बैठाया और वहां से चल दिए। दोनों ने नाव में बैठकर नदी पार की और पार करने के बाद स्वामी जी ने अपनी जेब से 1 रुपया बाहर निकाला और उस नाव वाले को दे दिया, यानी कि दोनों के मिला के 50-50 पैसे यानी 1 रुपया उन्हें दे दिया। तभी स्वामी जी ने साधु से कहा कि जो काम तुम 50 पैसे में कर सकते थे उसके लिए तुमने अपनी जिंदगी के 15 साल बर्बाद कर दिए, और अगर यही 15 साल तुम समाज की भलाई में लगाते तो आज तुम्हें भी पूरी दुनिया जानती, और मैंने यही किया इसलिए मुझे पूरी दुनिया जानती है और तुम्हें कोई नहीं जानता। और स्वामी जी ने साधु से कहा कि तुम्हारी तरह कई सारे लोग ऐसी चीज़ों में अपने दिन, हफ्ते, महीने, साल लगा देते हैं जिनका उनकी ज़िंदगी में कोई मतलब नहीं निकलता, इसलिए अपने टाइम को ऐसी जगह पर लगाओ जहाँ पर उसका एक्चुअल में कोई सेंस निकले, क्योंकि टाइम से बढ़कर इस दुनिया में कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। अगर समय बर्बाद तो ज़िंदगी बर्बाद। दूसरी कहानी, एक बार स्वामी जी एक ब्रिज पर चल रहे थे, तभी वहाँ पर कुछ बंदर उनके पीछे पड़ जाते हैं। कोई बंदर उन पर लपक रहा, कोई उनका प्रसाद छीनने की कोशिश कर रहा, और स्वामी जी उन बंदरों से पीछे छुड़ाने के लिए वहाँ से भागने लगे। स्वामी जी भागे जा रहे थे और वो बंदर भी उनके पीछे पीछे भागने लगे। तभी एक आदमी ने स्वामी जी से कहा कि तुम डरो मत, इनका सामना करो, तुम जितना ज़्यादा इनसे डरोगे ये तुम्हें उतना ही ज़्यादा डराएंगे। तभी स्वामी जी पीछे मुड़ते हैं और आँखें निकाल कर उन बंदरों पर जोर से चीखते हैं, और तभी सारे बंदर वहाँ से दुम दबाकर भाग जाते हैं। और उन्हीं बंदरों की तरह होते हैं हमारे नेगेटिव थॉट्स जिनसे हम डरते हैं, और जितना ज़्यादा हम इनसे डरेंगे ये हमें उतना ही ज़्यादा डराएंगे। इसलिए नेगेटिव थॉट्स और डर से डरो मत, बल्कि उनका सामना करो, इनसे तुम जितना ज़्यादा डरोगे ये तुम्हें उतना ही ज़्यादा डराएंगे। और अगर तुम इनका सामना करते हो तो नेगेटिव थॉट्स और डर भी एक दिन तुमसे डर जाएगी। कहानी, एक बार स्वामी जी उनके गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस के साथ कहीं जा रहे थे। तभी रास्ते में उन्हें एक आदमी मिला जो पत्थर पर कुछ बना रहा था। तभी रामकृष्ण परमहंस जी ने पूछा कि तुम इस पर क्या बना रहे हो? तभी उस व्यक्ति ने जवाब दिया कि मैं एक राजा की मूर्ति बना रहा हूँ। रामकृष्ण जी ने पूछा कि क्या उस राजा की तुम्हारे पास में कोई तस्वीर है? तभी उस मूर्तिकार ने कहा कि नहीं, मेरे पास उनकी कोई तस्वीर नहीं है। तभी रामकृष्ण जी बोले कि अगर तुम्हारे पास उनकी कोई तस्वीर नहीं है तो फिर तुम उनकी मूर्ति कैसे बना सकते हो? तभी उस मूर्तिकार ने जवाब दिया कि भले ही मेरे पास उनकी कोई तस्वीर नहीं है, लेकिन मेरे दिमाग में उनकी स्पष्ट तस्वीर छपी हुई है। और कुछ ही देर बाद उस मूर्तिकार ने राजा की सुंदर मूर्ति बनाई भी, और स्वामी जी ये सारा दृश्य अपनी आंखों से साफ देख रहे थे। और तभी उन्हें अपने कुछ सवालों का जवाब मिल गया कि अगर कोई भी इंसान अपनी ज़िंदगी में कुछ भी पाना चाहता है तो उस मुकाम की या फिर उस चीज़ की तस्वीर उसके माइंड में एकदम क्लियर होना चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये तीनों कहानियाँ पसंद आई होगी। इसी तरह के और भी वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद।